X9 लाइव्स देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी टाउन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों कपल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पहले अपनी शादी को लेकर, उसके बाद अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर, और अब इसके बाद कपल के सुर्खियों की वजह है आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी। जी हाँ, जब से आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज फ्रेंड्स के साथ शेयर की है, लगातार कपल को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। जहां यहां पर आलिया भट्ट अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी फैंस यहां पर कपल के वर्क फ्रंट नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब आलिया और रणबीर इतने करीब आए, कब शुरू हुई उनकी प्यार की दास्तान, और आखिरकार शादी के बंधन में बंधने के इतनी ही जल्दी कैसे आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी हो गई। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार फैंस के मन में उठ रहे हैं। इन्हीं में से एक सवाल है कि जब आलिया भट्ट रणबीर कपूर से शादी करने की बात रणबीर कपूर ने अपने पिता ऋषि कपूर को बताई तो आखिरकार क्या बोले पापा ऋषि कपूर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी पर्दे पर से, इसी राज पर से पर्दा हटाते हैं। आपको बता दें कि कपल ने बीती 14 अप्रैल 2022 को मुंबई में शादी की थी। हाल ही में दोनों सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट बनने की अनाउंसमेंट की है। आलिया और रणबीर की शादी और मेहंदी फंक्शन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें एक्टर अपने पिता ऋषि कपूर के साथ तस्वीर को लिए हुए थे। इसमें बातचीत के दौरान रणबीर कपूर से पूछा गया कि क्या ऋषि कपूर से आलिया भट्ट के साथ अपनी शादी के बारे में बात की थी, तो इस पर रणबीर कपूर ने यहाँ पर अपना जो फैसला बताते हुए कि क्या कुछ यहाँ पर पापा ऋषि कपूर का रिएक्शन था, इसके बारे में बताते हुए रणबीर कपूर कहते हैं कि कैसे ऋषि कपूर चाहते थे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। रणबीर कहते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, खासकर जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आलिया और मैंने न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनके साथ बहुत वक्त बिताया। वो हमसे अक्सर कहते रहते थे कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, और शादी कर लो, अस्पताल में क्यों बैठे हो, अगर आज पापा होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जहां भी हैं उनका आशीर्वाद मेरे और आलिया भट्ट के साथ है। जी हां, आपको बता दें कि अक्सर यहां पर जब भी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नीतू कपूर एक साथ नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं तीनों ही ऋषि कपूर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वहीं अगर बात करें कपल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो आपको बता दें कि वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो रणबीर अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा को लेकर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म बड़े पर्दे पर 22 जुलाई को रिलीज होगी और फिल्म के लिए 4 साल बाद एक बार फिर से रणबीर कपूर इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें इससे पहले रणबीर कपूर की जो फिल्म आई थी वो थी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म बड़े पर्दे पर 9 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागा अर्जुन भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।